Hello viewers, welcome to another video. In this video we will discuss the shortcuts for resistors. तो आज की वीडियो में हम ये शॉर्टकट्स को ढूंढेंगे रेजिस्टर्स के, ताकि हमें आसानी हो किसी भी रेजिस्टर का क्वेश्चन सॉल्व करने में. ठीक है, पांच पॉइंट्स हैं. उन पांच ही पॉइंट्स को आप अपने माइंड में मेमोराइज कर ले, आपको किसी भी रेजिस्टर के क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगी. तो पहला है रेजिस्टर इन सीरीज. पहले रेजिस्टर इन सीरीज के पासवर्ड देखते हैं. उसका पहला पासवर्ड ये है कि आई इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस. आपको तो पता है कि आई क्या होती है, वो होता है करंट. तो करंट इंडिपेंडेंट होता है रेजिस्टेंस पे. अच्छा, लेकिन किस बात में? सीरीज वाले केस में. ऐसा नहीं कि पैरेलल वाले केस में भी आप ऐसा करें कि करंट को इंडिपेंडेंट कर दे रेजिस्टेंस पे. नहीं, सिर्फ सीरीज वाले केस में. और उसके बाद अगर सीरीज की बात की जाए तो वहाँ पे करंट इंडिपेंडेंट हो गया, तो वोल्टेज जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किस पे? रेजिस्टेंस पे. सो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. चलते हैं थर्ड पासुलेट पे कि फॉर एन रेजिस्टर्स एन सेम रेजिस्टर्स आर इज इक्वल टू एन आर. कि जब भी सेम रेजिस्टर की बात की जाए तो ज़रूरत नहीं है किसी ऐसे लंबे चौड़े मेथड को सॉल्व करने में और उसका उसके बाद आंसर आ जाए. ठीक है, ये सिंपल शॉर्टकट लें, ये सिंपल ट्रिक लें. R इज इक्वल टू एन आर, उसका सम कर लें, उसके बाद सिंपली जो आंसर आ जाएगा आपका वो हो गया आपका रेजिस्टर का ट्रिक. ठीक है, ये थर्ड पासुलेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एम डी गेट पॉइंट ऑफ व्यू से. उसके बाद आ गया आपके पास कि अगर ये सीरीज में है तो आपको ये भी, अगर सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है तो आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू और सो आन आर एन आपको लगाना पड़ेगा. उसके बाद पांचवी पॉइंट ये है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है सीरीज में. अगर आप सीरीज की बात करें तो वहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा. ये शॉर्ट ट्रिक आपको सीरीज में अप्लाई करनी है. तो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रेजिस्टर्स इन पैरेलल. पिछली स्लाइड में हमने जो डिस्कस किए थे वो थे रेजिस्टर्स इन सीरीज में. तो अभी इस पैरेलल में भी हम पांच ही पॉसिलेट्स को डिस्कस करेंगे. इससे हमें पता लग जाएगा कि रेजिस्टर्स इन पैरेलल को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो पहली पॉइंट ये है कि उसमें सीरीज में क्या था? करंट इंडिपेंडेंट था रेजिस्टेंस पे. लेकिन पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज इंडिपेंडेंट हो जाती है रेजिस्टेंस पे. ठीक है, अगर जे वोल्टेज इंडिपेंडेंट हो गई रेजिस्टेंस पे तो दूसरा पासुलेट हमारा क्या बनेगा कि जो हमारा करंट है ना, करंट आई आई वो हो जाएगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. ठीक है, अगर V is independent of the resistance, then second postulate will be R is inversely proportional to resistance. R is equal 1 by R. कि जितना करंट बढ़ेगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होता जाएगा. ठीक है, तो वोल्टेज इंडिपेंडेंट हो गई इस केस में. थर्ड पासुलेट ये है कि फॉर एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स R is equal to R divided by N. ये है शॉर्टकट नंबर टू. कि जब भी आप आइडेंटिकल रेजिस्टर्स देखेंगे ना, तो वहाँ पे n की वैल्यू पुट करें कि कितने आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, उसके बाद r की वैल्यू पुट करें. ठीक है, इससे आपको पता लग जाएगा कि एक रेजिस्टर इन पैरेलल में वैल्यू क्या बनी. ये सिंपल शॉर्टकट है. बजारते लॉन्ग मैटर करने से बेहतर है कि आप शॉर्ट मैटर को प्रेफर करें. उसके बाद फोर्थ पॉसिबिलिट ये है कि अगर आप पैरेलल में जा रहे हैं तो उसकी इक्वेशन ये बनेगी, और आइडेंटिकल रेजिस्टर्स नहीं है तो आर वन बाय आर इज इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर एन. जितने भी रेजिस्टर्स हैं आप वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लें उनकी वैल्यूज़ को, उनके बाद आपको आंसर आ जाएगा कि रेजिस्टर्स इन पैरेलल की वैल्यू इतनी बनी. उसके बाद पांचवा पॉइंट ये है कि रेजिस्टेंस डिक्रीज इन पैरेलल.
अगर आप सीरीज की बातों पर गौर करें तो वहाँ पर हमने पांचवी पॉइंट में ये डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस इंक्रीज इन सीरीज, लेकिन पैरेलल में क्या बनेगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज इन पैरेलल। ठीक है, ये आइडेंटिफाई कर लें पॉइंट्स, आपको एमसीक्यू में आसानी होती जाएगी। तो हम कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे और आपको एक तो होम टास्क भी दूंगी ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलते हैं हम एमसीक्यूज की तरफ। सो एमसीक्यू नंबर वन जो है वो है हमारे पास कि थ्री रेजिस्टर्स ऑफ 2, 3 and 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दे आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस। ऑप्शन ए 1 ओम, ऑप्शन बी इज 3 ओम, ऑप्शन सी इज 5 ओम एंड द ऑप्शन नंबर डी इज 7 ओम। तो एक्सप्लेनेशन की तरफ देखें तो सॉल्यूशन ये है कि 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये फार्मूला है पैरेलल का। उसके बाद आप इसमें वैल्यूज़ को पुट करते जाएं तो आपको ये इक्विवेलेंट सम आ जाएगा। इस 6 को आप एलसीएम करें जैसा कि मैथमेटिक्स का रूल होता है, तो आपको 6/6 आंसर और 1 आंसर आ जाएगा। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन 2 resistances of 3 ohm and 6 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसके ऑप्शंस देखें 1 ohm, ऑप्शन बी 3 ohm, ऑप्शन सी इज द 2 ohm एंड द ऑप्शन नंबर डी विल बी 6 ohm। तो ये आपका होम टास्क है, ये आप घर में खुद सॉल्व करेंगे और इसका जो आंसर आएगा आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि इसका आंसर क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। So question number 3, if 3 resistors 5, 6 and 8 are connected in series, the effective resistance is option A 24 ohm, option B 240 ohm, option C is 7 ohm and the option number D is 19 ohm। चलते हैं इसके solution की तरफ। So देखें ये जो equation है ना, R is equal to R1 plus R2 plus R3, ये हमने पहले भी discuss कर ली है tricks में। आप ये put करें equation, उसके बाद आप इनको series में लगाएंगे तो आपको sum up करना पड़ेगा which is 19, तो हमारा correct option बनेगा option number D। तो ये थी आज की shortcut video। Thank you for watching this video.